शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पिछली क्लास तक हमने 200 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए थे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे अन अटेम्प्टेड है, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, और वहाँ पे भी प्रैक्टिस एमसीक्यू के तौर पर हम छत्तीसगढ़ सेट का पेपर देखेंगे। छत्तीसगढ़ सेट का पिछले कल पेपर हुआ था, उसके आंसर की मैं लाइव डिस्कस करूंगा। हो सकता है यूट्यूब पे करूं या फिर एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस पेपर वन की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो स्क्रीन मुझे लगता है कि अच्छे से विजिबल होगी आपके पास, और आप लोगों ने आराम से क्वेश्चंस को समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, दोबारा से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 201। ओके, ये क्वेश्चन है, आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है। जो हम लोगों को पता है, मनोविज्ञान का जो आज का अर्थ है वो है व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार का अध्ययन करना या फिर व्यवहार की वैज्ञानिक जांच करना, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव यानी एक्सपीरियंस समझा था। ठीक है, तो पहले मनोविज्ञान को एक्सपीरियंस माना जाता था, लेकिन आज बिल्कुल वो डिफरेंट है। एनएल मन के द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? और ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले कल भी देखा था, हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। और इसका करेक्ट आंसर है उत्तेजना अनुक्रिया और आंतरिक अनुभव दोनों को शामिल किया है मन द्वारा। एनएल मन द्वारा दोनों को शामिल किया गया है। तो ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कोटेशन याद करनी पड़ती है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? मनोविज्ञान जो है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें जो चीजें ली जाती है या फिर रखी गई है, कौन सी विशेषता रहती है इसमें? मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है जटिल है, इसमें जटिलता पाई जाती है। परिवर्तनशीलता पाई जाती है, यानी ये चेंज होता रहता है। आनुवांशिकता का इसमें प्रभाव होता है उपर्युक्त में से सभी। क्या आपको इसका करेक्ट आंसर लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समीर जी नमस्कार। ओके, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु जटिल तो है, कॉम्प्लेक्स तो है, इसमें कॉन्टिन्यूटी भी है और चेंज भी होता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने पहला ही लेक्चर देखा है, उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना गया, फिर आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद इसमें धीरे धीरे चेंज होता रहा और आज इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। दैट्स मीन जटिलता तो है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें चेंज भी होता रहता है, परिवर्तनशीलता है, दो तो है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अनुवांशिकता का प्रभाव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सरल, परिवर्तनशील, आनुवांशिकता से प्रभावित, परिवेश से प्रभावित, इनमें से कौन सी नहीं है, क्या विषय वस्तु नहीं है, वो आपको बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन के आधार पे ही इसका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। ऊपर वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका करेक्ट। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए हमने पहले ऊपर क्या देखा, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए में अगर ए है, जटिलता है, तो जटिलता का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हुआ? जटिलता का ऑपोजिट सरल हुआ। अगर ये जटिल है तो ये सरल इसकी विषय वस्तु नहीं हो सकती है। दैट्स मीन ऑप्शन ए सही नहीं है, आपने बिल्कुल सही गैस किया। ओके, ठीक है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, यानी मनोविज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी या उसकी विषय वस्तु क्या होगी,
ये कौन डिसाइड करता है? मनोवैज्ञानिक निरीक्षक जो होते हैं विषयी, यानी जो विषय को बनाते हैं, जो पाठ्यक्रम को बनाते हैं, या उपर्युक्त में से सभी। क्या इसका करेक्ट आंसर आपको लग रहा है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु को कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है, कौन बनाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, मनोविज्ञान की विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक तो डेफिनेटली बनाते ही है, साथ में जो सिलेबस बनाते हैं वो भी डिसाइड करते हैं, और जो निरीक्षक होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मनुष्यों के व्यवहार की तुलना में, मनुष्य का जो बिहेवियर है, इंसानों का जो बिहेवियर है, उसके कंपैरिजन में पशु व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इंसानों का जो व्यवहार है उसका अगर कंपैरिजन पशु व्यवहार से किया जाए तो कौन सी विशेषताएं आपको मिलेगी? सरलता, मानव परिवेश का कम प्रभाव, समानता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। देखिए, मानव व्यवहार काफी जटिल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो पशु व्यवहार होता है वो उतना जटिल नहीं होता, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इजीली उनके हाव भाव से हम समझ सकते हैं कौन सा प्राणी हिंसक है, कौन सा अहिंसक है। दैट्स मीन सरलता तो उनके स्वभाव में होती है, उनके मनोविज्ञान में सरलता होती है, ठीक है। वो लालची नहीं होता है, जैसे इंसान क्या है, लालचवश कई ऐसे काम कर जाता है जो उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा लालच पशुओं में नहीं होता। जितना चारा उनके पेट में आता है, पेट भर गए उसके बाद बंद है। दैट्स मीन उनका व्यवहार हमेशा सरल होता है, ठीक है। जो व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी चीजें बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलती है, ये प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। और मानव प्रभाव का मतलब मानव परिवेश का कम प्रभाव इनके मनोविज्ञान पे देखा जा सकता है। मानव से इनको कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे इंसानों को तो होता है, इंसानों को अपने पशुओं से लेना देना है। पशु अगर कुछ लाइक बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्रभाव पड़ता है इंसान के मनोविज्ञान पे, लेकिन इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समानता पाई जाती है, पूरे यूनिवर्सल होता है ये। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाइयां निम्नलिखित में से कौन सी है? इकाइयां, यूनिट्स कौन सी है मनोविज्ञान की? अनुक्रिया यंत्र, अर्जित व्यवहार, जन्मजात प्रक्रियाएं। और क्वेश्चन देखिए बहुत मतलब आप कह सकते हैं विषय वस्तु हमने ऊपर ही देख लिया है। विषय वस्तु मेनली हमने 3-4 विषय वस्तु देखी, उसमें से अनुक्रिया यंत्र है, अर्जित व्यवहार मनुक्रिया में नहीं आता है, और जन्मजात प्रक्रियाएं भी नहीं। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में, मनोविज्ञान की जो इकोलॉजी होती है, परिवेश होता है, इसके संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? डायरेक्ट कोटेशन ये है यहां पे कि मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है वुडवर्थ की, R.S. वुडवर्थ। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का अंग था? मनोविज्ञान पहले किस ज्ञान का अंग था? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र। इसका आंसर तो बिल्कुल आप दे पाओगे। हाँ बिल्कुल आप इसका, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में ये पढ़ा था, मनोविज्ञान को पहले फिलॉसफी का पार्ट माना जाता था। और फिलॉसफी का पार्ट किसने माना? प्राचीन यूनानी एरिस्टोटल, प्लेटो, आत्मा से रिलेटेड इन्होंने माना था इसे। और पहले फिलॉसफी के अंदर ही साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन था? प्राचीन यूनानी विचारक कौन है? एरिस्टोटल और प्लेटो के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन था? वैसे ही आप आंसर इसका कर पाओगे, आत्मा का, मन का, चेतना का, या व्यवहार का? बताइए क्या आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आत्मा का ज्ञान माना था प्लेटो एरिस्टोटल यूनानी चिंतकों ने। प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा था? मानसिक विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मानसिक दर्शन, मन का विज्ञान। तो उसका भी आंसर वही होगा, क्या होगा? बिल्कुल आत्मा का विज्ञान।
सोलहवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किन विचारकों ने, 16th सेंचुरी में किन विचारकों ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार उपस्थित किए? तो सोलहवीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन है? देखिए, देकार्ते जो है, देकार्ते को माना जाता है मॉडर्निज्म का फादर। रेने देकार्ते मॉडर्निज्म के फादर है, साइकोलॉजी में विशेष योगदान है। और स्पिनोजा को तो आपने पढ़ा ही होगा, दो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आते हैं, तो लाइबनिट्ज, दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका सही होगा। देकार्ते 16th सेंचुरी के हैं, स्पिनोजा भी, और साथ में लाइबनिट्ज भी, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 17वीं शताब्दी में सहचर्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? यानी मनोविज्ञान में सहचर्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी के चिंतक, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, जॉन लॉक। बेसिकली ये 17वीं शताब्दी के चिंतक है, बिशप बर्कले, डेविड ह्यूम। ऑप्शन डी इसका सही होगा, सहचर्यवाद का सिद्धांत इन सभी ने मिलकर दिया है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया? 19th सेंचुरी, देखिए 19th सेंचुरी, 1800 के बाद, ठीक है, 1800 के बाद इंग्लैंड में व्यक्तिगत अंतर, यानी व्यक्तियों में अंतर होते हैं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके आधार पर मनोविज्ञान को समझना चाहिए, ये किसने आरंभ किया था? अब देखिए, जॉन लॉक हम पहले ही देख चुके हैं, ये तो 17वीं शताब्दी के थे, तो 18वीं शताब्दी में इन्होंने ये विचार कैसे दिया, तो ये तो यहाँ पे डाउटफुल है, जॉन लॉक तो नहीं हो सकते, ये तो 17वीं शताब्दी के थे, ठीक है। बर्कले भी 17वीं शताब्दी के थे, डेविड ह्यूम भी 17वीं शताब्दी के थे, दैट्स मीन ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर, ये थे गाल्टन, गाल्टन ने दिया है 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, फ्रांसिस गाल्टन। जर्मनी में मनोविज्ञान की विश्व प्रसिद्ध पहली मनोविज्ञान शाला निम्नलिखित में से किसने स्थापित की? जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली शाला का मतलब यहां पे है जहां पे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान की पहली लैब किसने स्थापित की? और ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले, ये थे विलियम बुंट, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के अग्रदूत। 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया? पावलो, विलियम वुंट, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम जेम्स। अब देखिए, फ्रांसिस गाल्टन, इसको हम अभी पढ़ चुके हैं पहले ही, ये तो 19वीं शताब्दी के चिंतक माने जाते हैं, इसको तो यहीं पे हम आउट कर देते हैं। इससे ऊपर यहाँ पे देखिए आप, दो हमने यहाँ पे देख लिए, इसका एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर होगा, 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने काम किया, ये थे पावलो, प्रतिबद्ध अनुक्रिया। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? साइकोलॉजी की पहली टेक्स्ट बुक किसने लिखी, पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी, मनोविज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी है विलियम जेम्स ने। वाटसन से पूर्व, वाटसन से पहले पश्चिम में मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी? देखिए, वाटसन है जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि वाटसन ने वो डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान है। इनसे पहले क्या माना जाता था, आत्मा का, चेतना का, मनस का या व्यवहार का, क्या माना जाता था? इनसे पहले रैशनैलिटी, चेतना का विज्ञान माना जाता था। सबसे पहले कौन सा माना जाता था, क्रम भी कई बार पूछा जा सकता है, सबसे पहला माना जाता था आत्मा का, आत्मा के बाद आता है मन का, फिर आता है तीसरे नंबर पर चेतना का विज्ञान, और आधुनिक समय में माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, जो कि वॉटसन ने माना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित वस्तुओं के व्यवहार के विधायक विज्ञान के रूप में निम्नलिखित में से किसने की?
मनोविज्ञान की ये एक परिभाषा है, परिभाषित किया है मनोविज्ञान को, यानी जीवित वस्तुओं के व्यवहार के विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को किसने कहा, यानी जीवित व्यक्तियों का क्या व्यवहार होता है उसका अध्ययन होता है मनोविज्ञान। ये कोटेशन किसकी है? ये कोटेशन है विलियम जेम्स की। 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण संप्रदाय की नींव किसने रखी? और मनोविश्लेषण को हम पिछले कल देख चुके हैं, मनोविश्लेषण संप्रदाय को हम डिटेल में लाइक पिछले कल भी हमने देखा था। ये बताइए क्या आंसर होगा, मनोविश्लेषण के साथ कौन जुड़े हुए? इसमें से चार ऑप्शन है, सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, सीजी यूंग, करेन हॉर्नी। तो बिल्कुल सही, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की इन्होंने आधारशिला या नींव रखी थी। 20वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? प्रयोजनवादी यानी प्रयोजन होता है हर चीज का, उद्देश्य होता है हर चीज का, तो प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मनोविश्लेषण आपने देख लिया, सिगमंड फ्रायड। प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की ये बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल को हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में भी देखेंगे, क्योंकि विलियम मैकडूगल ऐसे चिंतक थे जिन्होंने राजनीति में मनोविज्ञान को यूज किया था, प्रयोजनवादी मनोविज्ञान को। 20वीं शताब्दी में गैस्टॉल्ट मनोविज्ञान की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? क्वेश्चन सिंपल है, गैस्टॉल्ट मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? गैस्टॉल्ट मनोविज्ञान, वर्दमाइर, वर्दाइमर, फॉकफा या फॉक्का, सॉरी सॉरी कॉफा, कॉफका, कोहलर या उपर्युक्त सभी। गैस्टाल्ट मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? देखिए एक नहीं कहेंगे, ये तीन व्यक्ति थे, जैसे वर्दाइमर, कॉफका, कोहलर, ये तीन विद्वान माने जाते हैं गैस्टाल्ट शाखा के निर्माता के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? जैसे व्यवहारवाद डेविड स्टर्न ने दिया है पॉलिटिकल साइंस में, वैसे ही व्यवहारवाद किसने दिया है मनोविज्ञान के अंदर? उसके पिता ये वॉटसन ही है। डेफिनेटली हमने तीसरी बार या चौथी बार ये इस तरीके का क्वेश्चन देख लिया है। तो वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना था, तो व्यवहारवाद के पिता वॉटसन ही माने जाएंगे। बिल्कुल सही, जॉन वी वॉटसन मनोविज्ञान की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसको नहीं मानते थे? देखिए व्यवहारवादी किसको नहीं मानते हैं? निरीक्षण को, प्रयोग को, अंतर्दर्शन को, सामाजिक सर्वेक्षण को। ये मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवाद को मानते हैं, तो व्यवहारवादी किसको नहीं मानते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरदर्शन को व्यवहारवादी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अंतरदर्शन जो होता है वो अपने आत्मा का दर्शन है, अंदर का दर्शन है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब्जेक्टिविटी है, आपके अंदर जो चल रहा है वो वैल्यू युक्त है, यानी उसमें आपकी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो व्यवहारवादी है वो बिल्कुल वैल्यू फ्री सब्जेक्ट की बात करते हैं, वैल्यू फ्री मनोविज्ञान की बात करते हैं, यानी आपके पर्सनल धारणाएं उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे बिजली का बटन अगर हम ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, ऑफ करते तो ऑफ हो जाती है, वैसे ही इन्होंने मनोविज्ञान को बनाने की कोशिश की थी। दैट्स मीन ये अंतरदर्शन प्रणाली को नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जबकि व्यवहारवादी प्योर साइंस बनाना चाहते थे, प्योर साइंस। यदि आपका छात्र आपके साथी शिक्षक की निंदा करता है, आपका कोई स्टूडेंट है और आपके कुलीग की निंदा करता है आपके पास, देखो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर बकवास पढ़ाते हैं, अगर ऐसी निंदा कोई स्टूडेंट आपके पास करता है तो आप क्या करेंगे? उसे हतोत्साहित कर देंगे, मतलब बोलेंगे ऐसी बातें नहीं करना दोबारा से, उसे प्रोत्साहित करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। साथी शिक्षक को बताएंगे या अपने जो फ्रेंड है वो बताएंगे उनको कि देखो आपके बारे में इस तरीके की बातें चल रही है, आप अपना जो रवैया है वो सुधार लीजिए, या फिर जो भी है आपके बारे में इस तरीके की बातें हो रही है। आनंदित हो गए, खुश हो गए, यार क्या बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऐसा इसका
ऑप्शन सी होगा, साथ ही शिक्षक को बताएंगे कि आपके बारे में इस तरीके की बातें चल रही है, इसलिए आप अपना पैटर्न सुधारे या जो भी उनके बारे में बातें हो रही होती है। प्रारंभिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? प्रारंभिक स्तर के प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट उपन्यास तो उनको समझ ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है। उपन्यास तो बड़ों बड़ों को समझ नहीं आता है, प्राइमरी लेवल मेमोरी लेवल होता है, ये तो नहीं होगा। समाचार पत्र तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि समाचार पत्र चीज क्या है। अब दो चीजें बचती है, नाटक या कहानी। डेफिनेटली आंसर आप इसका कर सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल आंसर आप देंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी कहानी, ठीक है। कौशल्या जी गुड इवनिंग, कहानी करेक्ट आंसर है। जब अध्यापक कक्षा में प्रथम बार प्रवेश करें तो उसकी बातचीत का विषय होना चाहिए। पहली बार एक टीचर है वो कक्षा में आ रहा है, उसकी बातचीत का विषय क्या होना चाहिए? विद्यालय भवन का, देखो विद्यालय भवन अच्छा है आपका, यहाँ पे ये फैसिलिटी है वो नहीं है, या फिर विद्यालय का प्रधानाचार्य। जब आपका अध्यापक कक्षा में प्रथम बार प्रवेश करे तो उसकी बातचीत का विषय क्या होना चाहिए? प्रधानाचार्य के बारे में, कि आपके प्रधानाचार्य ऐसे हैं वैसे हैं, पाठ्य पुस्तक या परिचय। ऐसा क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं पहले, बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल रितिका जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। पहली बार टीचर आ रहा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी, परिचय होगी, अपना परिचय आप देंगे स्टूडेंट से, आप उनका परिचय लेंगे। बाल साहित्य की पाठ्य वस्तु मुख्य रूप से संबंधित होनी चाहिए। बाल साहित्य है, बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों का जो साहित्य होता है उसकी पाठ्य वस्तु मुख्य रूप से अध्यात्म पे। देखिए अध्यात्म का क्या लेना देना बच्चों को, समझ ही नहीं आएगा। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब बचता है यहाँ पे दो, राजनीति उत्सुकता, और इसमें भी आप बता पाओगे, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स मीन क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र को के प्रति अनिवार्य है, एक फेल छात्र है उसके प्रति क्या अनिवार्य है? बुरा भला कहना, जैसे हमारे टाइम में कहा जाता था ये 10 साल है, ये 2 साल है, उसको पीछे उठाया, उसकी बार बार मजाक उड़ाते थे, क्या भरा भला बुरा कहना सही है? नहीं, भला बुरा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी उपेक्षा ही कर दो, छोड़ो ये 2 साल है इसको, नहीं नो, उपेक्षा नहीं करेंगे, घृणा भी नहीं उससे करेंगे। तो पॉजिटिविटी में ही आंसर देना होता है हमेशा, अभी प्रेरित करेंगे। प्रारंभिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? प्राइमरी लेवल का एक टीचर है, उसका मुख्य कर्तव्य क्या होगा? छात्र को समझाना, छात्र का आदर करना, छात्र को पुचकारना, यानी ओ हो कैसे हो क्या है, तो पुचकारना तो नहीं होगा। छात्र का शिक्षण करना यानी उन्हें पढ़ाना। अब देखिए ऑप्शन ए आपको लग रहा होगा, ऑप्शन डी आपको लग रहा होगा, आदर करना तो ऑप्शन में ही नहीं है। ए और डी में से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा, उसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप उसको समझाएंगे। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, ये इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, मूल्यांकन को कब कॉम्प्रिहेंसिव माना जाएगा? सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, जितने भी टीचर है सभी इवैल्यूएशन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किया जाए, यानी जो जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव थे उसको इवेल्युएट किया जाए कि ये ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, यानी पर्सनैलिटी के लगभग सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। और ये क्वेश्चन काफी आप कह सकते हैं टफ, मैं इसको कह सकता हूं। देखिए सभी उद्देश्य डेफिनेटली मूल्यांकित होने चाहिए, संपूर्ण विषय वस्तु का भी मूल्यांकन हो सकता है, और बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का भी मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हालांकि ये भी सही है ये भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका है बच्चों के सभी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, वही बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। मुझे शिक्षण में रुचि है क्योंकि बालक मुझसे प्यार करते हैं, मैं अपने ज्ञान में बालकों के साथ भागीदारी करता हूं, बालकों की उत्सुकता एक चुनौती है। चुनौती मान रहे हो आप, तो आप अच्छे टीचर कैसे हो सकते हैं? मेरे पास बालकों को बताने के लिए बहुत कुछ है, मुझे शिक्षण में रुचि क्यों है? अब बताइए क्यों है? बिकॉज मैं अपने ज्ञान में बालकों की भागीदारी करना चाहता हूं, यानी जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी मुझे आता है
वो मैं बालकों के साथ साझा करना चाहता हूं, इसलिए इंटरेस्ट है मेरा टीचिंग में। दो सौ इकतीस अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे विकट समस्याएं कौन सी है? टीचर के लिए चुनौतियां कौन सी है, विकट समस्याएं कौन सी है? माध्यमिक स्तर पर प्राथमिक तकनीकी, ये डेफिनेटली हमने पहले देख लिया है, सबसे ज्यादा चुनौतियां टीचर को रहती है प्राइमरी लेवल पर। प्राथमिक सहायता के ज्ञान की आवश्यकता अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर क्यों अति आवश्यक होती है? प्राइमरी हेल्प जो आपको चाहिए, या फिर प्राइमरी हेल्प का मतलब है जैसे आप टीचिंग एड जो यूज करते हैं, वो प्राइमरी लेवल पे ज्यादा क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि बच्चों को बहुधा खेलते खेलते, या ओ सॉरी, ये प्राइमरी सहायता, फर्स्ट एड यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट एड के बारे में बात हो रही है, ये टीचिंग एड नहीं, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की जरूरत प्राइमरी लेवल पे क्यों रहती है? क्योंकि बच्चों को बहुधा खेलते खेलते या तो चोट लग जाती है या वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उपचार की बहुत शीघ्र आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों को शिक्षक इससे स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकता है, फर्स्ट एड से क्या तंदुरुस्त रखेगा बच्चों को, क्योंकि अध्यापक को उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। वो तो करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी और ए। देखिए, प्राइमरी लेवल प्राथमिक सहायता के ज्ञान की आवश्यकता की बात यहां पे है, ठीक है, प्राथमिक सहायता के ज्ञान की बात यहां पे हो रही है कि आपको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को उपचार की बहुत शीघ्र आवश्यकता होती है, बच्चे को चोट बहुत जल्दी लग जाती है और उनको उपचार की बहुत जल्दी जरूरत होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम को तैयार करने में किसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है? जब आप सिलेबस तैयार करते हैं, सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखेंगे? छात्रों का, शिक्षा उद्देश्यों का, पाठों की विषय वस्तु एवं सामग्री का, शैक्षिक विधियों तथा नए नए तकनीकी सहायता उपकरणों का। जब आप सिलेबस तैयार कर रहे होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, क्या ध्यान में रखना पड़ता है? बिल्कुल सही, शिक्षा उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सिलेबस के माध्यम से ही हम पूर्ण कर सकते हैं। छात्रों को पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिए आप कैसे प्रशिक्षण देंगे? आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि लाइब्रेरी को आपने यूज करना है तो कैसे देंगे? आप छात्रों को पुस्तकों के महत्व के बारे में बताएंगे, आप स्वयं छात्रों के साथ पुस्तकालय में पढ़ेंगे, आप उनको घर के लिए पुस्तकें प्रदान करवाएंगे और उनको पढ़ने में सलाह देंगे, खाली पीरियड में आप उनको पुस्तकालय ले जाएंगे। आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं स्टूडेंट को, कैसे देंगे? और ये हम पहले भी देख चुके हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए तो नहीं होगा, आप यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो पुस्तकालय के महत्व के बारे में आप ये ट्रेनिंग में नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन बी हम पहले देख चुके हैं कि टीचर जो करता है उसे देख के बच्चे समझते हैं, बट वो क्या है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग की बात हो रही है, आप घर में ले जाने का कोई काम नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो खाली पीरियड होंगे उनको पुस्तकालय में ले जाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे ये इस सेक्शन का है, ये उस सेक्शन का है, ये साइंस का है, ये केमिस्ट्री, जो मर्जी है, मतलब उनको ट्रेनिंग वहां पे देंगे, मतलब बताएंगे किस तरीके से किताबें देखी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। घर ले जाने के लिए पुस्तकें, ये लाइब्रेरी का नहीं है, डेली लाइब्रेरी एक्टिविटीज में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कक्ष शिक्षण को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्लासरूम में जो टीचिंग दी जाती है उसे अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों से प्रश्नों का हल कक्षा में ही शिक्षण के तुरंत बाद उसी समय करवाना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो टीचर करवाएगा उसका आंसर। गृह कार्य सदैव नियमित रूप से होना चाहिए, होमवर्क जो है वो नियमित रेगुलरली देना चाहिए। गृह कार्य छात्रों की अभिरुचि और दिलचस्पी के अनुसार ही देना चाहिए या उपयुक्त में से सभी? देखिए, कक्षा शिक्षण को अधिक उद्देश्यपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब आप टीचिंग के बाद
मूल्यांकन करे स्टूडेंट का, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाद में उसका मूल्यांकन करे कि बच्चों को कितना समझ आया। ठीक है, डी इसका नहीं होगा होमवर्क, या फिर ये तो डेली की चीजें हैं, दिलचस्पी के अनुसार कि जो बच्चों की इंटरेस्ट है बस वही आप होमवर्क देंगे, ये तो वैसे ही इसका गलत हो गया। बच्चों की रुचि के अनुसार होमवर्क नहीं दे सकते आप, वो तो आपको पाठ्यक्रम के अनुसार देना पड़ता है। ऑप्शन सी नहीं है इसका मतलब, ऑप्शन डी भी इसका नहीं है। ठीक है, सिलेबस जो गृह कार्य होमवर्क है वो तो सिलेबस के अनुसार होगा, रुचि के अनुसार तो नहीं होगा। दो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने निकाल दिए। गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाए उससे उद्देश्य ज्यादा हमारे सफल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली सबसे बेहतर है, कौन सा टीचिंग मेथड या टीचिंग सिस्टम सबसे बेस्ट माना गया है? भाषण विधि, पुस्तक पठन विधि यानी किताबों को पढ़ाना, प्रोजेक्ट विधि या पर्यटन विधि? सबसे इफेक्टिव, सबसे बेहतर टीचिंग मेथड कौन सा है, टीचिंग प्रणाली कौन सी है? और ये हमने पहले देख लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, प्रोजेक्ट विधि। क्योंकि प्रोजेक्ट टीचर को टीचर देते हैं और उसके आधार पे बच्चे स्वयं करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बच्चे स्वयं करते हैं, और हमने इससे पहले देख भी लिया था जो बच्चे अपने आप करते हैं, स्वयं करते हैं, उससे आउटकम ज्यादा आते हैं, बच्चे सीखते ज्यादा हैं, इसलिए सबसे बेस्ट मानी गई है प्रोजेक्ट विधि। एक अध्यापक की उपयोगिता निर्भर है, एक जो टीचर है उसकी यूटिलिटी उपयोगिता किसके ऊपर निर्भर है, उसके साथियों एवं सह अध्यापकों पर? ये तो नहीं होगा, एक टीचर की उपयोगिता जो उपयोगिता है या फिर यूटिलिटी है, ये सहयोगियों का क्या लेना देना इसके साथ? उसकी आस्था और कर्तव्य निष्ठा पर, उसकी सैलरी पर, सैलरी का क्या लेना देना है, उसकी आय और जीवन स्तर पर? दैट्समीन बचा क्या, एक ही आपके पास बचा, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी उसकी आस्था, यानी टीचिंग के प्रति उसकी आस्था और कर्तव्य निष्ठा पर। छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति एवं नव तकनीक को विकसित करने के लिए, छात्र प्रश्न पूछे आपसे उस तकनीक को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, छात्र ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रहे, आपसे प्रश्न पूछे आप क्या करेंगे? आप प्रश्न पूछना जारी रखेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या है? आप उनमें प्रश्न पूछने की आदत और उनमें सृजनात्मक तथा क्रियात्मक तकनीक विकसित करेंगे, यानी क्रिएटिविटी विकसित करेंगे, उनके अंदर जिज्ञासा जगाएंगे। आप उन्हें घर पर हल करने के लिए प्रश्न देंगे, यानी होमवर्क आप देंगे, उनसे कहेंगे कि वे आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे ताकि अपने आप क्वेश्चन उनके दिमाग से निकले, जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न उनके अंदर हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है सही कथन। अध्यापक को अध्यापन करते समय विद्यार्थियों की विभिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही। अध्यापक को योग्य छात्रों का मार्गदर्शन ठीक ढंग से करना चाहिए, बिल्कुल सही। अध्यापक को उन छात्रों को डांटना नहीं चाहिए जो पढ़ने और याद करने में सुस्त और धीमे हो, तो करेक्ट आंसर क्या है, क्या है करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है, ये सारे सही है। यह अध्यापक निश्चित करता है, ये अध्यापक निश्चित करता है कि क्या और कितना एक औसत बुद्धि स्तर के विद्यार्थी को पढ़ाया जाए, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी औसत का मतलब है एक बच्चा दिन में 40 क्वेश्चन पढ़ सकता है, याद कर सकता है, एक 60 पढ़ सकता है, दो बच्चे अगर हैं तो कितने क्वेश्चन देने चाहिए, इसका डिवीजन, इसका अनुपात क्या निकलेगा, 60 और 40 100, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 50, दैट्स मीन एक बच्चा 40 पढ़ पाता है, एक 60, तो औसत 50 क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, नियोजन यानी प्लानिंग की थ्योरी, मनपसंद यानी दिलचस्पी का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही, ये चयन के सिद्धांत में आता है, थ्योरी ऑफ चॉइस, कि बच्चे औसत बच्चे कितना पढ़ पाते हैं बुद्धि के हिसाब से, तो चयन का सिद्धांत के तहत ये आता है।
एक सामान्य सिद्धांत का पहले वर्णन करने के पश्चात, मतलब एक सामान्य सिद्धांत का पहले हम वर्णन करते हैं, उसके पश्चात उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए छात्रों को उपयुक्त उदाहरण देने की विधि प्रणाली को क्या कहा जाता है? पहले हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव यानी उसका वर्णन करेंगे, वर्णन करने के बाद सिद्धांत को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए उदाहरण देंगे। इस विधि को इंडक्टिव विधि, आगमन विधि कहा जाता है, डिडक्टिव विधि विधि कहा जाता है, इसे इंपिरिकल विधि कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। और इस विधि को डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इसको डिटेल में हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। ये निगमन विधि कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड, यानी पहले कंप्लीट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्लीट पढ़ाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, उसके बाद हम जाएंगे एग्जाम्पल में, क्वेश्चन आंसर में जो भी है। तो ये ऑप्शन बी, ये प्लेटो ने यूज की थी, निगमन विधि से कहा जाता है, डिडक्टिव मेथड। शिक्षण की आगमन विधि, आगमन विधि एरिस्टोटल ने यूज की थी, शिक्षण की आगमन पद्धति है मनोवैज्ञानिक। साधारण से विशेष की ओर अग्रसर होने वाली, छात्रों को खोज और अन्वेषण के प्रति प्रोत्साहित करने वाली, या इनमें से सभी। क्या होती है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, इनमें से कौन सा होता है? और देखिए यहां पे देखिए, मनोवैज्ञानिक तो ये होती है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक होती है, ये बिल्कुल सही है। साधारण से विशेष की ओर, साधारण से विशेष की ओर, ये गलत है। आगमन विधि विशेष से साधारण की ओर होती है, ठीक है, साधारण से विशेष की ओर होती है निगमन विधि, तो ये तो गलत है। छात्रों को खोज और अन्वेषण की ओर प्रोत्साहित करने वाली विधि, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डी तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। बालक का पहला अध्यापक कौन है? अध्यापक माता पिता, अपनी चेतना मस्तिष्क। तो बच्चे को क्या चेतना मस्तिष्क, उसको दिमाग तो कुछ होता नहीं है, बच्चा तो खाली स्लेट होता है, उसको तो यहीं पे उड़ा दो। उसके आसपास का माहौल और परिस्थितियां, अब आपके पास अध्यापक तो पहला नहीं होगा डेफिनेटली, अध्यापक तो आपको 4, 5 या 6 साल के बाद ही मिलेगा। ऑप्शन दो बचते हैं, ऑप्शन बी और डी, बी और डी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, उसके माता पिता ही सबसे पहले अध्यापक होते हैं, माता पिता के बाद उसका माहौल और परिस्थितियां, फिर आते हैं टीचर। प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका, प्रोजेक्ट प्रणाली ये पहले भी हम देख चुके हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली में टीचर क्या करता है? मूक दर्शक होता है, मूक और शांत दर्शक, केवल मूल्यांकन करता है, केवल मार्गदर्शन करता है, केवल प्रश्न पूछता है। प्रोजेक्ट विधि में टीचर क्या होता है बताइए, हम ये पहले देख चुके हैं। प्रोजेक्ट विधि जैसे एमफिल का प्रोजेक्ट है या पीएचडी का प्रोजेक्ट है, उसमें टीचर क्या करता है? सुपरविजन करता है, केवल मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्रियाशील प्रणाली क्या है? कक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित। क्रियाशील मेथड होता है छात्र केंद्रित, क्योंकि क्रियाएं इसमें की जाती है, बच्चे इसमें क्रिया करते हैं, क्रियाएं की जाती है, ठीक है। तो बच्चे जहां पे क्रियाशील प्रणाली होती है वो छात्र केंद्रित होती है, क्योंकि बच्चे क्रिया एक्टिविटीज इसमें करते हैं। कक्षा शिक्षण तथा अध्यापन के दौरान अध्यापक को अपने उत्तरों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, जब आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं या आप टीचिंग करते हैं, तो अध्यापक को बार बार उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए, प्रश्नों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर के संकेत अंतर्निहित हो, यानी प्रश्नों का उत्तर जिसमें छुपा हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बार बार आप एक ही उत्तर को दोहराए चले जा रहे, टाइम वेस्ट होगा, बार बार एक ही प्रश्न को पूछ रहे जिसका लॉजिक नहीं बनता है। बेसिकली ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जिसमें प्रश्नों के उत्तर के संकेत अंतर्निहित हो, ये सही होगा इसमें से, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, डी इसमें सही आंसर नहीं हो सकता है, ए गलत यहां पे हम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बी यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो
एक बार फिर इसको देखते हैं, एनालिसिस करके ये क्वेश्चन ही गलत तरीके से फ्रेम किया है, हम इसका करेक्ट आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यापक को अध्यापन के दौरान क्या करना चाहिए? कक्षा शिक्षण तथा अध्यापन के दौरान अध्यापक को अपने उत्तरों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, अपने उत्तरों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, प्रश्नों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, ये गलत है, प्रश्नों को बार बार दोहराना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल, उत्तरों को भी बार बार दोहराया जा सकता है, क्यों नहीं दोहराना चाहिए, बच्चों को एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार आप दोहरा सकते हैं, प्रश्न एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर के संकेत अंतर्निहित हो, ये भी गलत है, ऐसे प्रश्न तो डेफिनेटली पूछने चाहिए, दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, ये सारे गलत हैं टीचर के बारे में, दैट्स मीन ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 248, आपके मत अनुसार प्रतिभा और योग्यता क्या है? प्रतिभा और योग्यता क्या है? प्रतिभा अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है, मतलब ये प्रतिभा या फिर योग्यता जो आपकी कैपेबिलिटीज होती है या फिर जो आपकी प्रतिभा है ये अभ्यास से उत्पन्न और सृजित होती है, मतलब आप बार बार प्रयास करेंगे तभी आपकी प्रतिभा और योग्यता सृजित हो सकती है, स्वयं और स्वाभाविक है, प्रतिभा और योग्यता स्वयं जन्म से आपको मिलती है, उसकी प्रकृति वंशानुगत है, यानी प्रतिभा आपको आपके माता पिता से मिलती है, पर्यावरण एवं आसपास के माहौल से उत्पन्न तथा सृजित होती है आपके अनुसार, और प्रतिभा कैसे मिलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा और योग्यताएं अभ्यास से, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, कैम स्कैनर आपने इसको सर्च कर लेना है, कैम स्कैनर क्या होता है, कैम स्कैनर स्कैनर है बेसिकली, ये एप्लीकेशन होती है कैम स्कैनर, ठीक है, तो कैम स्कैनर से हम क्या करते हैं, आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर रखा है उसको स्कैन कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ बना सकते हैं, कैम स्कैनर क्या होता है, कैम स्कैनर स्कैनर है, इससे हम स्कैन करते हैं, जैसे आपका बड़ी वो बड़ी मशीन होती है ना उसमें स्कैन करते हैं पेजेस को, वैसे ही कैम स्कैनर मोबाइल पे चलने वाला एक स्कैनर है, एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन, शिष्ट अंतर संबंधों के अध्ययन की एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है, टीचर के साथ जो आपके संबंध होते हैं, शिष्य अंतर संबंधों के अध्ययन की एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है, केस स्टडी, रॉसचेस टेस्ट, सोशियोग्राम, एंकटाड रिकॉर्ड, एनक डार्टल रिकॉर्ड, शिष्य अंतर संबंधों की प्रणाली, उपयोगी प्रणाली कौन सी है, और इस प्रणाली को हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और ये कब हम देखेंगे, ये हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में ये सारी प्रणालियां हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, और इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोशियोग्राम, सोशियोग्राम यानी सोशियोलॉजी से निकला हुआ है, जब शिष्यों के अंतर संबंध देखते हैं तो बेसिकली क्या है, सोसाइटी या फिर सोशल संबंध कैसे हैं, सोशियोग्राम, ऐसे आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक योग्यता एवं उपलब्धियों को जांचने और परखने का निम्नलिखित में से सबसे विश्वसनीय तथा उचित, अनुचित नहीं है, उचित संकेतक या पैमाना है, आत्म अवधारणा एवं स्वयं विचार, कक्षा के अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और परीक्षण, माता पिता की प्रजातीय उत्पत्ति संबंध, और इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं, पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियों को जांचने और परखने का सबसे विश्वसनीय साधन क्या होता है, बताइए क्या होता है, शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियों को जांचने और परखने का निम्नलिखित में से सबसे अधिक विश्वसनीय जो पैमाना होता है, संकेतक होता है, आत्म अवधारणा एवं स्वयं विचार, कक्षा के अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण, ये दोनों नहीं होते हैं,
पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लेना देना नहीं आपके योग्यताओं के साथ या फिर आपके इवैल्यूएशन के साथ, तो माता पिता और प्रजातीयता का भी कोई संबंध नहीं है। वैसे अगर अनुचित यहाँ पे पूछा जाए, अनुचित का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, और उचित की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें आ जाएंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ये 50 क्वेश्चन थे। अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस में देख लेता हूं, अगर कोई छूट गए होंगे, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।